व्हाट इज़ अप यू गाइस, इट इज़ मी अदेव्या एंड मैं स्वागत करता हूँ सभी का मेरे इस नए वीडियो में। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आप ये देख रहे होगे कि पिछले 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर मेरी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं, मतलब मैं खुद शौक हूँ कि आपकी बॉडी नेचुरली भी इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। क्योंकि मतलब ऐसा था कि मैं ट्रेनिंग पहले कर रहा था, बट मैं कुछ ना, वो बोलते ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो रही थी। तो अभी जब से मेरा विंटर चालू हुआ है तब से मैं बहुत ज़्यादा लॉक्ड इन हूँ, बहुत अच्छे से मेरे न्यूट्रिशन चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट्स, मैंने नए सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं। मेरे को जिन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी उन सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने नॉलेज गेन करी एंड वो चीज़ मैंने इन्वॉल्व करी अपने डे टू डे लाइफ में। एंड जो मेरी बॉडी चेंज हुई है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। मेरे चेस्ट में जो फुलनेस आई है भाई, इससे पहले कभी इतनी अच्छी फुलनेस नहीं थी। मेरी बैक इतनी अच्छी ग्रो हो रही है, मतलब ओवरऑल मेरी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि भैया आपके न्यूट्रिशन में आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या क्या नए सप्लीमेंट आपने ऐड किए हैं। तो वही, उसी के ऊपर ही आज की वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टॉप 5 सप्लीमेंट्स मैंने अभी ऐड किए हैं पिछले 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर, जिनकी वजह से आई थिंक मेरी बॉडी में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन इज़ बोलते हैं पॉइंट पे होना चाहिए, बट स्टिल जो सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किए हैं उन सप्लीमेंट्स के बारे में आज आपको बताऊँगा एंड लोग पूछ भी रहे थे। तो यप, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। तो 5th नंबर का जो सप्लीमेंट होगा वो होगा ZMA। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाँ, ZMA बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6। तो जिंक क्या करता है, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन मेंटेन करता है, बूस्ट करता है एक तरीके से। मैग्नीशियम आपकी स्लीप एंड फिटिगनेस के लिए होता है, मसल रिकवरी के लिए होता है, बहुत बेनिफिशियल है। एंड विटामिन B6 तो आपको पता ही है, विच हेल्प्स आई थिंक इम्यूनिटी के लिए होता है। तो अगर आपकी स्लीप अफेक्टेड है, फॉर मी पर्सनली मेरी स्लीप बहुत ज़्यादा फक्ड अप थी एंड धीमे धीमे करके जब से मैंने ZMA लेना चालू किया है, इट हेल्प्स मी अलॉट। मेरी फिटिगनेस बॉडी में, जब मैं ट्रेनिंग करके आता हूँ, मैं बेसिकली इसको रात में लेता हूँ एंड फिटीक हो जाता हूँ मतलब ट्रेनिंग के बाद, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स मी। ये मेरी स्लीप साइकिल को भी काफ़ी सही किया है। तो यप, इसलिए 5th नंबर पर आप इसको बिल्कुल ट्राई करना। अगर आप टायर्ड हो जाते हो अपने वर्कआउट के बाद, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती रात में, तो आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो। एंड यप, ये 5th नंबर पर है। एंड 4th नंबर पे जो सप्लीमेंट होगा वो होगा हमारा मल्टीविटामिन। तो बेसिकली आई यूज़ बायोजन 5-in-1, ये मल्टीविटामिन फ्रॉम मसल प्लेस है, आप इसको बिल्कुल ट्राई करना। तो बेसिकली मल्टीविटामिन सबको पता ही है बॉडी में बहुत ज़्यादा, अगर आप फूड आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो मल्टीविटामिन हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि वही है ना कि, और बेसिकली अभी का जो फूड आपको मार्केट में मिलता है उनमें उतने मिनरल्स, उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता जितना पहले हुआ करता था, इसलिए मल्टीविटामिन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए। तो यप, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि इट हेल्प्स मी अलॉट। एंड मल्टीविटामिन्स अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हो तो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। ये बेसिकली मैं अपने मम्मी पापा को भी देता हूँ तो वो लोग भी यूज़ करते हैं। मैं ये पर्सनली नहीं देता, ये लिफ्टर्स के लिए बना हुआ है ये जो है, ये वाला डिब्बा। अगर आप जिम जा रहे हो तो प्लीज़ इसको करना, वरना एक नॉर्मली जो मल्टीविटामिन आता है आप वो ज़रूर अपने माँ बाप को दे सकते हो, मैं तो बेसिकली देता हूँ। तो काफ़ी सही चीज़। 3rd नंबर पर जो सप्लीमेंट है वो है ग्लूटामाइन। भाई ये बोलते हैं ना भाई, इसको मैं बेसिकली 2nd नंबर पर रखने वाला था, बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड क्योंकि बोलते हैं ना भाई, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, ग्लूटामाइन जब से मैंने इसको अपने, बेसिकली मैं इसको कब लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ जब मैं सुबह फास्टेड कार्डियो करता हूँ आधे घंटे का, तब मैं इसको एप्पल साइडर के साथ लेता हूँ, अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन विथ 30-25 ml ऑफ एप्पल साइडर, पानी में 200 ml पानी में डाल के, एंड उसके बाद मैं फास्टेड कार्डियो करता हूँ। तो बेसिकली ग्लूटामाइन कैसे हेल्प करता है, ये आपकी जो मसल रिकवरी है उसको
काफ़ी हद तक बूस्ट कर देता है भाई। मतलब जब से मैंने ग्लूटामिन लेना चालू किया है तब से मेरी बॉडी में जो फटीगनेस है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जैसे आज मैंने वर्कआउट किया, आज मेरा चेस्ट था, तो पहले क्या होता था ना कि मेरा जब नेक्स्ट चेस्ट आता था तब भी मेरा चेस्ट बहुत सोर रहता था, मतलब मेरी मसल उतने हिसाब से उतने लेवल पर रिकवर नहीं कर पाती थी। बट जब से मैंने ग्लूटामिन इन्वॉल्व किया अपनी डाइट में, मेरी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हुई है, एंड कहीं ना कहीं इसने मेरी थोड़ी बहुत स्लीप में भी हेल्प करी है। पहले मैं मतलब मेरे को नींद नहीं आती थी, अब मे बी बिकॉज ऑफ जेड में भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इसने भी हेल्प करी है। तो बेसिकली आप इसको सुबह ले सकते हो एम्प्टी स्टमक, या फिर अपने वर्कआउट के बाद ले सकते हो। 5 ग्राम मोर देन सफिशेंट है, एंड आप शॉक हो जाओगे इसके रिजल्ट से। जो आपको रिकवरी आपकी जो मसल्स की होती है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। आप चाहो तो मैं वैसे इसको फर्स्ट नंबर भी रख सकता हूँ, बट मेरे को वो चार्ट डेवलप करना है। तो ये सेकंड नंबर पर है जो सप्लीमेंट है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है इस पूरी प्रोसेस में, तो वो है परफॉर्मेंस पे। तो इसकी पर सर्विंग में आपको मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड वे प्रोटीन बेसिकली, अगर आपको पता है कि मैं एग्ज़ कंज्यूम करता हूँ, नॉन वेज नहीं कर पाता क्योंकि फॉर माई ओन पर्सनल रीजन्स, तो यप, तो इसीलिए वे प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। एंड उसके साथ साथ ये ओवरऑल अगर आपको पता ही है तो वे प्रोटीन बेसिकली सबको ही पता होगा यार, वे प्रोटीन करता क्या है। पोस्ट वर्कआउट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आप पोस्ट वर्कआउट में नहीं ले सकते तो सुबह जब भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो उसमें एक स्कूप, एंड शाम को पोस्ट वर्कआउट के साथ, पर पोस्ट वर्कआउट के बाद एक स्कूप। तो यप, ये मैंने सेकंड पर रखा है। एंड अभी मैं जो फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ केसर ठंडाई। मेरे को पता नहीं, मेरे को वैसे फ्लेवर बहुत पसंद है यार, मतलब मैंगो हो गया, फ्रूटी फ्लेवर हो गया, या फिर ऐसा कुछ करके। मेरे को बिस्कॉफ आया था अभी, तो वो भी मैं बहुत यूज़ करता था, मतलब पता नहीं क्यों, आई लव सच फ्लेवर। तो यप, इस आप ज़रूर इसको चेकआउट करना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसकी पर सर्विंग में आपको मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एंड द बेस्ट टाइम टू यूज़ वे प्रोटीन इज़ आप कभी भी ले सकते हो। हाँ, मतलब वो लोग बोलते हैं ना कि भाई कब लेना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊँ, अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट करते हो तो आप इसको अपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में ज़रूर ले सकते हो, मतलब वर्कआउट के जस्ट बाद वो एनाबॉलिक विंडो हिट करने के लिए 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईजी मनी। तो यप, इसको मैंने सेकेंड पर रखा है। एंड अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आपको पता होगा फर्स्ट नंबर पर सप्लीमेंट कौन सा होने वाला है। कैन यू गैस इट? तो फर्स्ट नंबर पे होने वाला है द ओजी, द टॉप नॉच, द गॉड, क्रिएटिन क्रिएम। ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएम फ्रॉम मसल बेस। भाई मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मतलब मेरे को लिटरली क्रिएटिन के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी भाई, मतलब जब से मैंने इसके बारे में पढ़ना चालू किया भाई तब से मेरा मतलब फ्यूज़ उड़ गया भाई। मतलब ये सप्लीमेंट इज़ लाइक द गॉड सप्लीमेंट भाई, द गॉड सप्लीमेंट। इसकी पर सर्विंग में आपको मिलता है अराउंड, इसकी 3 3 ग्राम की सर्विंग है, इसमें आपको 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिलता है। एंड उसके साथ साथ बेसिकली क्रिएटिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन, एडीनो ट्राई फॉस्फेट ऐसा कुछ करके है, एडीनो डाई ट्राई फॉस्फेट आई थिंक। तो बेसिकली ये एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आपकी मसल्स हैं उसमें जो वाटर है वो होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बेसिक तो आपको ये 110% लेना चाहिए, क्योंकि आप मीट कंज्यूम नहीं करते। अगर आप रॉ मीट कंज्यूम करते हो तो आप वहाँ से प्रोटीन, वहाँ से आप क्रिएटिन निकाल सकते हो, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आई हाईली रिकमेंड। आप अगर नहीं, अगर आप नॉन वेज भी ले रहे हो ना, तो भी आई हाईली रिकमेंड आप क्रिएटिन अपनी डे में, अपने सप्लीमेंटेशन में ऐड करो। एंड इसको मैंने फर्स्ट नंबर पर क्यों रखा, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये कि जब से मैंने, और लोग बोलते हैं कि 5 ग्राम क्रिएटिन आपको रोज़ यूज़ करना चाहिए, मैं बोलता हूँ ट्राई डूइंग दैट पिरामिड क्रिएटिन बोलते ना, मतलब पहले 10 दिन आप अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ लो, पिछले पहले 4 से 5 दिन आप 25 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे इन्वॉल्व करो, उसके बाद कट डाउन टू 20, फिर 15, एंड देन 10, एंड देन 5, जो क्रिएटिन लोडिंग फेज जिसको बेसिकली लोग बोलते हैं। तो आप ये एक लोडिंग फेज ट्राई करके देखो, मतलब भाई जो स्ट्रेंथ में एंड जो मसल फुलनेस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल।
मेरा मेन सप्लीमेंट है ये क्रिएटिन अभी का, मतलब अभी अराउंड मैं इसको 15 to 18 grams ऑफ क्रिएटिन मैं रोज ले रहा हूँ। एंड भाई इससे जो चेंज आया मेरी बॉडी में, जो चेंज आया भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल मेरी बॉडी। हाँ ये है कि आपको वाटर इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बट मेरी बॉडी बहुत फुल हो गई है। मेरी बॉडी का अब्जॉर्प्शन रेट, मतलब पता नहीं, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन रेट वो बढ़ गया है। मेरी स्लीव्स, मतलब ओवरऑल इट्स अ गॉड सप्लीमेंट। और गॉड सप्लीमेंट इसको बोलते हैं भाई क्योंकि उसके रीजंस हैं। और जितने भी लोग जो ये बोलते हैं कि भाई क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है, क्रिएटिन से बॉडी में फैट आ जाता है, क्रिएटिन से आपकी किडनियाँ फेल हो जाती हैं, भाई ये सब मिथ है। मेरे को पिछले 3 साल से क्रिएटिन ले रहा हूँ मैं, एंड आई टुक इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। एंड ना ही मेरे हेयर झड़े हैं, ऊपर से अपने बाल बढ़ा रहा हूँ। एंड ना ही मेरा आई साइट कम हुआ है, ना ही मेरा लिवर डैमेज हुआ, ना ही मेरी किडनी डैमेज हुई है, एंड ना ही कहीं ना कहीं से मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। आप बिंदास होकर क्रिएटिन यूज़ करो। एंड यप, और इसके मतलब मिथ्स बहुत हैं लेकिन इसके फ़ायदे उससे भी ज़्यादा हैं। तो आई हाईली रिकमेंड आप क्रिएटिन अपने सप्लीमेंट में ऐड करो। एंड यप, तो यही थी आज की हमारी वीडियो, सिंपल एंड सॉर्टेड। एंड इन सब सप्लीमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड अदिव्य MB। एंड यप, यही थी आज की वीडियो। एंड बहुत टाइम से मैं सोच भी रहा था कि एक सप्लीमेंट स्टैक के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, जो मैं सप्लीमेंट्स अभी फ़िलहाल में यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से लोग पूछ भी रहे थे कि भैया आपके सप्लीमेंटेशन में आप क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करते हो। एंड अभी तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे क्योंकि जब से मेरी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा सही सी दिखने लगी है एंड फुलनेस आ गई है, तब से लोग और ज़्यादा पूछने लगे थे। तो यप, यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं बहुत ही रॉ वीडियो बनाता हूँ आजकल, एंड पता नहीं, आई लव इट, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा फेक करता था, बट अभी आई डोंट गिव अ एफ टू दैट। एंड यप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड अदिव्य MB ऑन चेकआउट। टिल देन, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।